फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 71 साल की थी। पिछले कुछ दिनों से वह बीमार थी और उन्हें बांद्रा स्थित एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। कार्डियक अरेस्ट के चलते उनका निधन हुआ। वैसे तो उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। आपको बता दें, सरोज खान को सांस लेने की तकलीफ के चलते 20 जून को गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सरोज खान के परिवार से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हो रहा था, जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से बॉलीवुड में काम किया है। वो बॉलीवुड की सुपर डांसर के नाम से जानी जाती थी। कोरियोग्राफी के लिए फैंस उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। उनका डांस हर किसी को बेहद पसंद आता था। आपको बता दें, उनका जन्म 1948 में 22 नवंबर को हुआ था। सरोज खान की बॉलीवुड में ऐसी पहचान रही जिसकी वजह से हर कोई उन्हें जानता है। वहीं सरोज खान ने अब तक 2000 से ज़्यादा बॉलीवुड गानों को कोरियोग्राफ किया था। वहीं वो माधुरी दीक्षित संग सुपरहिट रही हैं। सरोज खान ने अपने करियर की शुरुआत 3 साल की उम्र से ही कर दी थी। उन्हें बचपन से ही डांस का काफ़ी ज़्यादा शौक था। उनकी आखिरी फिल्म कलंक थी। आपको बता दें, इस फिल्म में सरोज खान ने माधुरी के साथ काम किया था। ये फिल्म पिछले साल रिलीज हुई थी। माधुरी संग सरोज खान की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। इनकी जोड़ी को बॉलीवुड की सुपरहिट जोड़ी माना जाता था। सरोज खान ने माधुरी के काफ़ी गाने कोरियोग्राफ किए थे। इनमें 1, 2, 3, 4, धक धक करने लगा, हवा हवाई, मेरे हाथों में नौनो चूड़ियाँ, तम्मा तम्मा, जरा सा झूमलू के साथ और भी कई गाने हैं जो उन्होंने कोरियोग्राफ किए थे। वहीं उन्होंने 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किया था और अब इंडस्ट्री की जानी मानी कोरियोग्राफर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।